नमस्कार, मैं निशा। आप देख रहे हैं बिग न्यूज। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बांका जिले के चांदन बाजार पर चौमिन बनाने वाले गैस सिलेंडर में आग लगने से दो सगे भाई बहन झुलस गए। चांदन बाजार हाट के समीप अचानक अफरा तफरी तब मच गई जब एक चौमिन दुकानदार के सिलेंडर में आग लग गई। दुकानदार ने आग को बुझाने का प्रयास किया तो सिलेंडर फट गई, जिससे भाई बहन झुलस गए। पीड़ित दुकानदार नीतीश कुमार ने बताया कि चौमिन बनाने के क्रम में सिलेंडर में आग पकड़ ली। मैंने पानी से बुझाने का प्रयास किया, लेकिन जब सिलेंडर बुझ नहीं रहा तो मैंने बोरा से ढकने का प्रयास किया। इसी बीच सिलेंडर फट गई और मैं और मेरी बहन झुलस गए, जिससे मेरा सर का बाल एवं दोनों हाथ जल गया। मेरी बहन सुषमा कुमारी का भी हाथ पैर मुंह जल गया। चांदन अस्पताल के डॉक्टर अजहर आलम ने बताया कि नीतीश कुमार, सुषमा कुमारी दोनों की स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए देवघर रेफर कर दिया। सरस्वती पूजा के बाद प्रतिमा विसर्जन के दौरान अवैध हथियार लहराने एवं हर्ष फायरिंग का सिलसिला जारी है। दो दिन पहले बांका जिले के शंभुगंज में सरस्वती विसर्जन के दौरान हवाई फायरिंग पर पुलिस जांच ही कर रही थी। आज फिर दूसरा वीडियो वायरल ने बांका पुलिस की सिरदर्द बढ़ा दी। दूसरा वीडियो अमरपुर थाना क्षेत्र के वासुदेवपुर बलुआ गाँव का बताया जा रहा है, जहाँ सरस्वती प्रतिमा विसर्जन के दौरान कुछ युवक डीजे के धुन पर अवैध हथियार लहरा रहे हैं, जबकि सैकड़ों की संख्या में बच्चे एवं महिलाओं की भीड़ भी है। गनीमत यह है कि किसी को गोली नहीं लगी। वीडियो शुक्रवार की रात की है, लेकिन आज जब वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस हरकत में आई। हालांकि ना किसी की गिरफ्तारी ना ही किसी की पहचान भी हो पाई है। जिला प्रशासन सरस्वती पूजा के दौरान डीजे नहीं बजाने की सख्त हिदायत थी, पर कहीं पर इसका कोई असर नहीं दिखा। पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार गुप्ता ने बताया कि वायरल वीडियो की जांच की जा रही है एवं वीडियो में नजर आ रहे युवक एवं पूजा समिति पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। महिला के अपहरण और हत्या के पुराने मामले में एक अपराधी ने एक युवक को गोली मार दी, जिसका इलाज बांका सदर अस्पताल में चल रहा है। घटना बांका थाना के लगटी कोला की है। बताया जा रहा है कि करीब एक वर्ष पूर्व गोली मारने वाले अपराधी निरंजन यादव लगटी कोला के मुनि यादव की पुत्री फगुनी यादव का अपहरण कर शादी कर ली थी, जिसका एक माह पूर्व हत्या कर बांका के समुख्या मोड़ में फेंक दिया था। इस मामले को लेकर पिछले कुछ दिनों से विवाद चल रहा था और आज भी घर के सदस्यों से कहा सुनी हुई। तो इस कहा सुनी के बीच निरंजन यादव उसके घर पर हथियार लेकर आए और परिजनों को धमकी देते हुए परशुराम यादव की पत्नी को उठाने की धमकी देने लगा। इसी बीच परशुराम यादव के दाहिने हाथ के बाह में गोली मारकर जख्मी कर दिया। इसी बीच ग्रामीण निरंजन यादव को ग्रामीणों ने जमकर पिटाई कर पुलिस को सूचना दी। जब बांका पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तब निरंजन अपने घर के छत पर हथियार लहराते हुए घूम रहा था। इसी बीच पुलिस उसको हथियार सहित गिरफ्तार कर ली। फिलहाल पुलिस अपराधी निरंजन की भी बांका सदर अस्पताल में इलाज कर रही है। गोली मारा है छोटा बेटा, सो बता बती हुआ बेटा घर चलाया, घर पर असमारा का असमारा तरफ से गोली भर को आ गया हो। तो बेटा उसने निकला तो खाली हाथ निकले और गोली सामान दोनों बापूत गोली लगा ले गोली दिया लगल। परशुराम यादव को गोली मारकर निरंजन यादव एक छत पे चढ़ गया है। सूचना पर गए वहाँ तो देखे ये हाथ में कट्टा लेके लहरा रहा है और छत पर घूम रहा है। पूरा पब्लिक घेरे हुए था, इसको आत्मसमर्पण करने हेतु बोला गया, तब इन्होंने अपना हथियार नीचे फेंका, तब इसे फिर ऊपर चढ़ के इसको अरेस्ट किया गया। बांका जिले के पंचवारा थाना पुलिस ने शनिवार शाम थाना क्षेत्र के विक्रमपुर मोड़ से गुप्त सूचना के आधार पर एक स्कूटी से 124 बोतल देसी शराब बरामद कर लिया और एक महिला और एक पुरुष तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। मामले की जानकारी देते हुए पंचवारा थाना अध्यक्ष मुरलीधर शाह ने बताया कि उन्हें इस मार्ग से शराब ले जाने की गुप्त सूचना हुई थी, जिस आधार पर विक्रमपुर मोड़ पर नाकेबंदी कर स्कूटी सवार शराब तस्कर को पुलिस ने धर दबोचा। गिरफ्तार तस्कर की पहचान गोड्डा जिले के पथरगामा थाना क्षेत्र के कोरका गांव निवासी घनश्याम कुमार एवं महिला की पहचान मुंगेर जिला के नया रामनगर थाना क्षेत्र के नवागढ़ी निवासी पिंकी देवी के रूप में हुई है। स्कूटी की जांच के दौरान पुलिस ने स्कूटी में मौजूद बैग और स्कूटी की डिक्की से झारखंड निर्मित लैला ब्रांड का 300 मिली मात्रा का 124 बोतल देसी शराब बरामद कर लिया और तस्करी में प्रयुक्त स्कूटी को जब्त कर लिया और दोनों के विरुद्ध मद्य निषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया। रविवार को दोनों को पुलिस अभिरक्षा में पाकर जेल भेज दिया जाएगा। बालू के अवैध खनन और उससे होने वाली काली कमाई लोगों की सुरक्षा के लिए बनाए गए रक्षा तटबंध को भी नहीं छोड़ा और लगातार इससे खनन जारी है। इस अवैध कार्रवाई से जहां सरकार को राजस्व की क्षति हो रही है, वहीं नदी किनारे बसे गांव को बाढ़ से बचने के बनाए गए तटबंध को क्षति पहुंचाया जा रहा है। बात हो रही है बांका जिले के चांदन और बदुआ नदी पर बने सुरक्षा तटबंध की। शंभुगंज स्थित बदुआ नदी पर स्थित सुरक्षा तटबंध काटकर उससे बालू के अवैध खनन को लेकर बांका जिला
और मुंगेर जिले के 3 दिन पहले जिला खनन पदाधिकारी द्वारा दर्जनों बालू माफियाओं के विरुद्ध शंभुगंज थाना में मामला दर्ज कराया गया। वहीं बीती रात बांका में भी चांदा नदी किनारे स्थित गोलहू से लेकर सिकनपुर के सुरक्षा तटबंध से बालू का अवैध खनन जोरों पर है और जिला खनन पदाधिकारी क्षेत्र के 22 बालू माफियाओं की पहचान कर आज बांका थाना में प्राथमिकी दर्ज कराने की बात कही है। चांदनी चौक धोरैया स्थित लड्डू गोपाल चैरिटेबल ट्रस्ट में शनिवार को सुबह 9 से दोपहर 4 बजे तक निशुल्क नेत्र प्रशिक्षण शिविर का आयोजन धोरैया दक्षिणी के जीप सदस्य सोनी सिंह के सौजन्य से किया गया। जांच शिविर का विधिवत उद्घाटन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धोरैया के आयुष चिकित्सक डॉक्टर दीपक कुमार एवं जीप सदस्य सोनी सिंह ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। उद्घाटन करते हुए जीप सदस्य सोनी सिंह ने कहा कि क्षेत्र के लोगों के लिए इस तरह के शिविर का आयोजन लगातार किया जाएगा। आगामी 27 फरवरी को कुर्मा स्थित विनय मेडिकल स्टोर में मोतियाबिंद जांच शिविर आयोजित किया जाएगा। शिविर में आसपास के गांव के 90 महिला पुरुष की आंखों की जांच की गई। जांच के दौरान 60 मरीजों को मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए चयनित किया गया जिसका मुफ्त ऑपरेशन आई हॉस्पिटल महगामा में किया जाएगा। शिविर में हीमोग्लोबिन ब्लड प्रेशर शुगर की जांच की गई। उचित सलाह व मार्गदर्शन दिया गया। मौके पर लड्डू गोपाल चैरिटेबल ट्रस्ट के कथावाचक बाबा विजेंद्र नारायण समाजसेवी रमन मिश्रा करनी सेना के प्रदेश सचिव डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह भागलपुर प्रमंडल उपाध्यक्ष गुड्डू सिंह भागलपुर जिलाध्यक्ष विनय मोदी सहित बड़ी संख्या में गणमान्य उपस्थित थे। पटना उच्च न्यायालय के वरीय न्यायाधीश पीके झा एयर राज्य मानवाधिकार के चेयरमैन बीके सिन्हा आज बांका पहुंचे। बांका व्यवहार न्यायालय परिसर में बांका के वरीय अधिवक्ता स्वर्गीय विमलेंद्र नाथ मुखर्जी के तैल चित्र का अनावरण किया गया। इस अवसर पर न्यायाधीश ने विमलेंद्र नाथ मुखर्जी को बेहतर इंसान के साथ ही न्यायप्रिय व्यक्ति बताया। उन्होंने बताया कि अपने समय में उन्होंने गरीबों और जरूरतमंदों को इंसाफ दिलाने की भरपूर कोशिश की और लोगों को इंसाफ भी दिलाया। इस अवसर पर जिला जज बलराम दुबे सहित अन्य न्यायिक पदाधिकारी और भारी संख्या में अधिवक्ता भी उपस्थित थे। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।